हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो है आपका, स्कीमा आर्किटेक्चर जो होता है डील करता है आपका ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस का पूरा डिजाइन होता है वो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में डिवाइडेड होता है, वही हम लोग आज देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले स्कीमा एक्चुअल होता क्या है। स्कीमा होता है ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज अ स्कीमा। डेटाबेस का जो पूरा डिजाइन होता है उसे स्कीमा बोलते हैं। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इसे ऑल्सो कॉल्ड एज अ ANSI और SPARC इज अ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी के द्वारा ये भी बोला जाता है आर्किटेक्चर है। और थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी इसे बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, ANSI, SPARC आर्किटेक्चर, और थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी इसे बोला जाता है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। जो भी आपका एप्लीकेशन होती है यूजर की, सेपरेट करते हैं जिसके थ्रू हम फिजिकल डेटा को और कॉन्सेप्चुअल डेटा, ये सारा आपका डेटा जो होता है सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है आपका एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा को हम एक्सटर्नल लेवल भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जिसे आपका बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। एंड तीसरा आता है आपका फिजिकल स्कीमा, जिसे बोलते हैं इंटरनल लेवल। एंड उसके बाद वो डिस्क में आपका स्टोर होता है। जो एक्सटर्नल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का जो बीच का कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा के जो बीच का लिंकिंग होती है उसे बोलते हैं आपका कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग। तो ये पूरा आपका एक स्कीमा आर्किटेक्चर होता है। ये प्रॉपर इसका डायग्राम है, अभी हम लोग इसको प्रॉपरली समझेंगे आगे। तो सबसे पहला आपका है इंटरनल लेवल, और जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल व्यू भी बोलते हैं। इंटरनल लेवल मीन्स एक्चुअल जो डेटा आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं वो कितना आपका स्टोरेज है। द इंटरनल लेवल हैज द इंटरनल स्कीमा विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। फिजिकली स्टोरेज मीन्स आप अगर आपने 10 साइज दिया है स्टोर करने के लिए, तो उसमें से उसने कितना यूज कर लिया है, 5 साइज यूज कर लिया है या 2 साइज यूज किया है स्पेस, तो वो डिफाइन करते हैं हम लोग इंटरनल स्कीमा के थ्रू। जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन किया है स्टोरेज एम्प्लॉय रिकॉर्ड लेंथ सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय 4 डेसिमल ऑफसेट 0 यूनिक, 4 डेसिमल ऑफसेट इसने यूज करेगा, जिसमें से ऑफ 0 इसने यूज किया है अभी। ऐसे ही ई नेम स्ट्रिंग लेंथ 15, ऑफसेट 4 15 है, जिसमें से 4 इसने यूज किया है। सैलरी आपका क्या है, 8 2 डेसिमल ऑफसेट है, 9 इसने यूज किया है। इस टाइप से मीन सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर में कितना उसने यूज किया है, कितना स्टोरेज आपका हुआ है, वो डिफाइन करता है आपका इज अ इंटरनल लेवल। इंटरनल स्कीमा इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल स्कीमा, इसे फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। यूज द फिजिकल डेटा मॉडल, इट इज द यूज टू डिफाइन दैट हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन ब्लॉक। ब्लॉक में कैसे डेटा आपका स्टोर हो रहा है, कितना डेटा आपका स्टोर हुआ है, उसे डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज कर बोलते हैं उसे इंटरनल लेवल। फिजिकल लेवल इज यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। मतलब कॉम्प्लेक्स एक लो लेवल का डेटा आपको डिफाइन करना है तो फिजिकल लेवल के थ्रू आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल, या इसको बोलते हैं आपका ग्लोबल व्यू भी बोलते हैं, एंड लॉजिकल लेवल भी हम लोग बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब दी डिजाइन ऑफ दी डेटाबेस एट दी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डेटा को डिजाइन करना। कॉन्सेप्चुअल का मीनिंग जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय आप कॉलम के जो डेटा टाइप देंगे और उसका साइज देंगे वो डिफाइन करते हैं आप कॉन्सेप्चुअल लेवल के थ्रू। कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटा। पूरे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के थ्रू। जैसे आपने एक टेबल बनाई है इम्प्लॉय, इसके अंदर इम्प्लॉय नेम को आपका इंटीजर टाइप लिया जिसका साइज 4 है और इसे की बना दिया आपने। ऐसे ही नेम है आपका स्ट्रिंग है, साइज इसका 15 ले लिया। सैलरी है आपका स्ट्रिंग है, 8 साइज ले लिया। डिपार्टमेंट नंबर है इंटीजर 4। इस टाइप से मीन्स जिस समय आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय जब आप क्रिएट करते हैं तो आप लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, टेबल नेम जैसे आपने इम्प्लॉय लिखा, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लॉय नंबर, इम्प्लॉय नंबर, और इसका डेटा टाइप भी देंगे यहाँ पर इंटीजर 4। एंड ऐसी आपको मल्टीपल वैल्यू लेनी है, लास्ट में सेमीकोल। तो ये क्या कर रहे हैं, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप जो डिफाइन करते हैं वो आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर आता है। इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल इंटरनल डिटेल सच एज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर आर हिडन। जो इसके अंदर का पार्ट है, जैसे आपने एम्प्लॉय नंबर लिखा है बट उसके अंदर एक्चुअल में एम्प्लॉय नंबर है क्या आपका, ये एम्प्लॉय नेम आपने लिखा है वो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये हाइड अप करता है। प्रोसीजर
प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। इस लेवल पे प्रोग्रामर या आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वही वर्क करता है, यानी क्रिएट करने की कमांड जो होती है एडमिनिस्ट्रेटर ही परफॉर्म करना है। इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, जो एक्चुअल में हमें दिखता है, हमें दिखते हैं टेबल के कॉलम, कॉलम के नेम। एट द एक्सटर्नल लेवल अ डेटाबेस कंटेन सर्वर स्कीमा दैट समटाइम कॉल एज अ स्कीमा सब स्कीमा। द सब स्कीमा इज यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का डिफरेंट तरीके से व्यू आप देख रहे हैं। आपने सेलेक्ट की क्वेरी कर सेलेक्ट की क्वेरी लिखी और उसके थ्रू आप व्यू देख रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम टेबल का नेम आपने लिखा है तो उसके थ्रू पूरी टेबल आपको शो हो रही है, वो एक एक्सटर्नल लेवल है। इसके अलावा सेलेक्ट आपने यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर और ई नेम को ही देखना चाह रहे हैं आप। ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय आपने किया तो इसमें केवल आप दो ही चीज़ देख रहे हैं तो वो भी एक एक्सटर्नल व्यू हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट तरीके से आप एक्सटर्नल व्यू देख सकते हैं जिसे आप सब स्कीमा कहते हैं। ईच व्यू स्कीमा डिस्क्राइब द डेटाबेस पार्ट दैट अ पर्टिकुलर यूजर ग्रुप इज इंटरसेक्ट एंड हाइड द रिमेनिंग डेटाबेस फ्रॉम दियर यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप में जो भी आपके डेटा होते हैं उसको हाइड अप करता है, केवल वही पार्ट आपको दिखाएगा जो आपको यूज यहाँ पर जिसको आप सेलेक्ट करें। व्यू स्कीमा डिस्क्राइब दी एंड यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस स्कीमा। इसके थ्रू एंड यूजर जो होता है डेटाबेस स्कीमा से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है थ्रू एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल के थ्रू। अगर आप प्रॉपरली टेबल की बात करते हैं तो टेबल में देखिए, टेबल की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। इसके अंदर ई नेम 1, 2, 3, 4 आपने दे दिया, नेम आपने दे दिया ABCD एंड सैलरी जो भी आपको देना है। तो इसमें जो ये टेप कॉलम के नेम होते हैं इन जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट हो रहा है वो तो एक्सटर्नल व्यू है। इसके अंदर इसका एम्प्लॉय नंबर का टाइप आपने इंटीजर दिया है तो वो आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल है। आप जो डेटा इसने स्टोर किया है और जो एक्चुअल डेटा स्टोर हो रहा है इसको आप बोल सकते हैं इंटरनल स्कीमा। तो ये आपका इंटरनल स्कीमा है, ये आपका कॉन्सेप्ट, इसको आप बोलते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। और इंटरनली डिफाइन करता है कि सैलरी आपका किस टाइप में लेगा, इंटीजर टाइप में होगी। तो ये जो डिफाइन करें आप इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, ये सब आपका स्ट्रिंग टाइप, ये आपका होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो ये डिफाइन होता है पूरा आपका ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस इज स्कीमा आर्किटेक्चर। तो ये डिवाइडेड होता है आपका 3 पार्ट में, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल स्कीमा। थैंक यू स्टूडेंट।